अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। DGP UP के आदेशानुसार मेरठ शहर और देहात में संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस चेकिंग के दौरान हुई कार्रवाई में पकड़े गए चोरी के और संदिग्ध वाहनों ने सैकड़ा पार कर लिया है। ये अब तक की सबसे बड़ी चेकिंग शहर में बताई जा रही है। इस चेकिंग अभियान के दौरान लगभग 125 वाहन पकड़े जा चुके हैं और 50 से अधिक अपराधियों को भी पुलिस पकड़ चुकी है। मेरठ पुलिस के लिए इसे एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। SSP अजय साहनी ने पकड़े गए वाहन और अपराधियों का खुलासा किया है। ये जनपद मेरठ में पिछले 24 घंटे से पूरे जनपद के पुलिस कर्मियों से द्वारा एक अभियान चलाया गया था, जिसमें सड़क पर जो बाइक्स थी और बाकी जो भी पुराने चोर थे, जो चोरी की बाइकें गायब हुई थी, उन सबको लेकर एक अभियान बाइकर्स के खिलाफ चलाया गया था। इसके तहत जिले में कुल 7,000 के आसपास वाहनों की चेकिंग 24 घंटे में पुलिस कर्मियों ने की। इसमें चोरी के कुल 125 वाहन बरामद किए गए हैं और जो स्पॉट चेकिंग हुई उसमें 16 कंट्री मेड पिस्टल और 31 कारतूस भी बरामद हुए हैं। कुल 54 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी सूची नाम सहित अभी आप लोगों को उपलब्ध करा दी जाएगी और एक जनपद पुलिस की एक अच्छी सफलता रही 24 घंटे का ये जो अभियान चला है। सर, ये कैसे अचानक से 24 घंटे का अभियान चला और इतने वाहन, मतलब ये चोरी के वाहन खरीद के चला रहे थे लोग या ये चोरी थे? DGP महोदय का निर्देश था बाइकर्स को लेकर और DGP महोदय के निर्देश पर बाइकर्स के खिलाफ अभियान चलाए जाने थे, उसी के तहत जनपद मेरठ पुलिस ने अभियान चलाया और ये वाहन अभी जो निकल कर आए हैं इसमें कुछ चोरी के भी हैं, कुछ लूट के भी हो सकते हैं। जैसा कि आप लोग को हमने बताया कि अभी अभियान ख़त्म हुआ है, अब ये सारी गाड़ियाँ और इनके जो चेसिस नंबर हैं, प्लेट्स हैं, इन सबको हम लोग लिंक कर रहे हैं और जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उनसे भी विस्तृत पूछताछ इस संबंध में की जा रही है। सर, जिले की कोई वाहन कनेक्ट हुए हैं कि मेरठ जिले से कुछ चोरी हुए हैं? हाँ, इसमें बहुत सारे वाहन हैं जो जनपद मेरठ के भी हैं और आसपास के जनपदों के भी हैं। पूरा डिटेल हम लोग आप लोगों से एक दो दिन में, जैसे सारे तथ्य RTO से आ जाएंगे, आप लोग से हम लोग शेयर कर लेंगे। जिन बाइकर्स गैंग को गिरफ्तार किया सर, वो कब से इस तरीके की वारदात को अंजाम दे रहे थे, कब से सक्रिय थे? ये अभी जाँच का विषय है। इसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिन पर पहले भी बहुत सारे क्रिमिनल हिस्ट्री रही है, अलग अलग तरह के केसेज रहे हैं, तो पहले से भी इस तरह की वारदात करते रहे हैं, जेल भी गए हैं, बेल पे बाहर भी रहे आए हैं इसमें से कुछ लोग, और ये सारे के सारे तथ्य जो है इन्वेस्टिगेशन में हम लोग ले आ रहे हैं। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए FirstBite.TV।